रुक करते हैं। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है और हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। कोरोमंडल एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर दरअसल ये कि ट्रेन हादसे में कई लोग जख्मी हो गए हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से नीचे उतर गई हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये बता पाना मुश्किल, लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है। हम दुआ करेंगे कि इसमें जनहानि नहीं हो। हावड़ा से चेन्नई ये ट्रेन जा रही थी और बहनागा स्टेशन पर यह ट्रेन दुर्घटना हुई है। मालगाड़ी के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई, यानी कि सिग्नल प्रॉब्लम रही है, सही सिग्नल नहीं मिला और यही वजह कि एक ट्रैक पर दो ट्रेन आमने सामने नजर आई और इसलिए यह हादसा हुआ है। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हावड़ा से चेन्नई ये ट्रेन जा रही थी और उस दौरान कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। बहनागा स्टेशन पर यह ट्रेन दुर्घटना ग्रस्त हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें वाकई में हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रेन की बोगियां पलटी हैं, मानकर चला जा सकता है कि इसमें लोग घायल हुए हैं। बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि इसमें किसी की जान ना गई हो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जो हादसे का शिकार हुई है और ये जो ट्रेन है दरअसल हावड़ा से चेन्नई जा रही थी और इस दौरान बालासोर जिले में ये ट्रेन हादसा हुआ। स्टेशन बहनागा जाए कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी के साथ टकरा गई। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों एक ही ट्रैक पर थी और एक ही ट्रैक पर ये दोनों आमने सामने की टक्कर का शिकार हुई और इस दौरान मालगाड़ी से टकराने की वजह से जो ट्रेन थी कोरोमंडल जो ट्रेन है उसकी कई बोगियां ट्रैक से दूर हो गई, बोगियां पलट गई। अब ये बता पाना बेहद मुश्किल है कि स्पीड क्या रही हो, ये बता पाना भी मुश्किल कि कितने लोग उसमें होंगे सवार। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर इसलिए थोड़ी सी रात पहुंचाने वाले क्योंकि लोग वहां पुरजोर तरीके से उन पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हुई है, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। ओडिशा के अंदर ये दुर्घटना हुई है, दुर्घटना ना कहकर इसको अगर लापरवाही कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दो ट्रेन आमने सामने टकराई और चार डब्बे, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चार डब्बे ट्रैक से उतर गए, पलट गए और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई।